हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एटीके मोहन बगान एफसी के संपर्क में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दो। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हो कि जब से एटीके और मोहन बगान मर्ज हुई है, तब से मोहन बगान एफसी के फैंस काफ़ी बड़े पायदान पर रिमूव एटीके को लेकर कैंपेन चला रहे हैं और अभी भी प्रोटेस्ट जारी है रिमूव एटीके को लेकर मोहन बगान एफसी मैनेजमेंट के खिलाफ। तो दोस्तों, आने वाले सीजन के लिए एटीके मोहन बगान एफसी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऑफिशियली नया जर्सी का लॉन्चिंग कर दिया है। तो फोटो शूट था आज मोहन बगान एफसी के ड्रेसिंग रूम में। तो दोस्तों, इस फोटो शूट में एटीके मोहन बगान एफसी के तमाम प्लेयर्स मौजूद थे और बात किया जाए होम किट और अवे किट के बारे में, जो पिछले दो सीजन तक होम किट और अवे किट था वो किट फिर से कंटिन्यू किया जा रहा है ये सीजन भी, बस स्पॉन्सर चेंज हुआ है। और बात किया जाए लोगों के बारे में, तो जैसे कि आप देख सकते हो फोटो शूट के दौरान एटीके मोहन बगान एफसी का लोगो ही नजर आ रहा है। इसका मतलब ये होता है दोस्तों इस फोटो शूट के बाद कि आने वाले सीजन के लिए एटीके मोहन बगान एफसी नाम से ही मोहन बगान आईएसएल खेलने वाली है। इसका मतलब ये होता है कि रिमूव एटीके कैंपेन ये सीजन भी फेल हो चुका है। तो एटीके नाम नहीं हट रहा है ये सीजन, इस फोटो शूट से पता चल रहा है। तो दोस्तों, आप सभी का क्या राय है इसके बारे में, आप अपना राय जरूर कमेंट सेक्शन पर बताना। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल ये वीडियो में इतना ही था। अब हम मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में।